वेलकम फ्रेंड्स, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ये सारे कि आपको क्यों एनआईटी सिलचर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये हमारा अभी का टॉपिक है कि एनआईटी सिलचर क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन डाला कि सबके दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी कॉलेज क्यों ले, क्यों नहीं ले। तो देखिए, व्हाई आई चूज एनआईटी सिलचर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके पूरे डिटेल में, क्योंकि मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच है और मैं अगस्त में आया था, एडमिशन अगस्त में हुआ था, क्लास 18 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, पर मैं 6 अगस्त को ही आ गया था क्योंकि एकेडमी का जो होता है एडमिशन का प्रोसेस वो सब चल रहे थे। तो हमारा 6 मंथ का एक्सपीरियंस है कि इस कॉलेज में मैं आया तो क्या क्या सीखा, और जो हमारे सीनियर का जो प्लेसमेंट हुआ है वो सारे ब्रांच में मैंने लिस्ट आउट किया है सबका, वन बाय वन ज़्यादा कि मैंने डोर टू डोर डाटा कलेक्शन किया है, कितना उनको पैकेज मिला है और कितने सारे हैं और कितने एडमिशन हुए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में, वो सारे मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए अगर आप एनआईटी सिलचर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो को फुल लेंथ आप देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ यहाँ पर हमको क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इसके लास्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि क्यों लिया, इसलिए सब सोल्यूशन का पार्ट है। देखिए, बात करते हैं जब किसी भी हम कॉलेज में जाते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि वो है कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब देखते हैं। ये है कि सेवन सिस्टर जो बोलते हैं इधर आसाम का जो नियर में जो भी स्टेट्स हैं, मणिपुर, ये त्रिपुरा जो भी है, ये सब अरुणाचल प्रदेश, ये सब जितने भी हैं, ठीक, मेघालय, तो यहाँ पे ये एनआईटी सिलचर जो है उस सब स्टेट में से एक अच्छा है एनआईटी। और ये थोड़ा सा और पड़ता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम आना चाहते हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ लो जाता है, थोड़ा कट ऑफ लो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ठीक। तो इसमें अभी हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा कि सबका अपना अपना बिल्डिंग है, अपना अपना कहने का मतलब है कि CS डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल, MBA, EE, EC, जितने भी है, MSc, मैथ का डिपार्टमेंट जो हो गया, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सबका अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है, सबका अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना बिल्डिंग भी है, यहाँ तक कि देख लीजिए, ठीक। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सेपरेट बिल्डिंग है, CSP डिपार्टमेंट का सेपरेट बिल्डिंग है, सबका लैब है, ठीक। ये ऐसा है क्योंकि ये पुराना NIT है, रीजनल कॉलेज था ना स्टेट का, असम स्टेट का, इसीलिए यहाँ पे पहले से फैसिलिटी अच्छा था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, सबका अपना लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरी है तो अपना एक अलग ही है, उसका बिल्डिंग अलग है, लाइब्रेरी जो जानते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से है और फेमस भी है, ठीक, तो वो भी बात करेंगे डिटेल में। और फैकल्टी का बात करते हैं तो यहाँ पे फैकल्टी सभी डिपार्टमेंट में है, और मेरे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 11 है, सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स के फेयर अलग है, और जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सिविल डिपार्टमेंट का होल लीजिएगा तो कम से कम 40-50 है ऐसे प्रोफेसर है एक डिपार्टमेंट सिविल में, मैकेनिकल का, फिर CS का, ये सब का अलग अलग, ठीक। तो फैकल्टी यहाँ पे हैं बहुत वेल एक्सपीरियंस है, और सभी फॉरेन से भी हैं, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉरेन से स्टडी करके आए हैं और IIT से हैं, ठीक। उसके बाद करते हैं बात हम हॉस्टल का, हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल में 13 बॉयज़ हॉस्टल है हमारा, और 4 गर्ल्स हॉस्टल है, 1 मैरिड हॉस्टल है, देखिए। और जितने भी एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, BTech मिले या MBA, जितना MSc या किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले, सबको हॉस्टल मिल जाता है, MTech हो चाहे जो भी ब्रांच उनका, ठीक। और 4 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें गर्ल्स लोग के लिए भी हॉस्टल है अवेलेबल में, सबको अलॉट हो जाता है हॉस्टल। और फिर है मैरिड हॉस्टल, मैरिड हॉस्टल में ऐसे कैंडिडेट हो जो कि मैरिड हो तो उनके लिए मैरिड हॉस्टल बनाया गया है, ठीक, सेपरेट है वो। अगर मैरिड हॉस्टल जो फुल नहीं होते हैं मैरिड के द्वारा, तो उनको गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स को मैरिड हॉस्टल अलाउड होता है, ठीक, एक रूम में 2 या 3 करके, ऐसा रूम बड़ा बड़ा है इसलिए। बॉयज़ हॉस्टल में भी एक रूम में 2 लोग का अलाट होता है, जैसे मेरे रूम में 2 लोग हैं, एक मैं हूँ और एक रॉबिन राज है, ठीक। सभी में ऐसा ही है क्योंकि रूम बड़ा है इसीलिए 2 बेड लगाए हुए हैं, ठीक, ये अच्छा भी है, ठीक। और उसके बाद मेस फैसिलिटी का बात करते हैं, तो मेस फैसिलिटी में आपको एक वीडियो मेरा मेस का है वो आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे जैसे मेनू है तो अच्छा है, 4 दिन चिकन है, 4 डे चिकन है, 1 डे एग और पनीर, ऐसे कुछ करके
है मीठा और ठीक है। संडे को कुछ स्पेशल होता है जो कि आपको आइसक्रीम वगैरह ये सब मिलता है, अमूल कूल ठीक है, पूरी चिकन फ्राई ये सब मिलता है। मेस का फैसिलिटी भी अच्छे है, एक दो दिन का तो लंच टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि वह सिंपल रहता है ना, इसीलिए नाइट में अच्छा है डिनर में ठीक। उसके बाद कॉलेज मेस फी का बात करते हैं, तो मेस फी आपका 22,500 ये मेस फी है ठीक। अभी जो मैं ये फीस जो आपको दिखा रहा हूँ ये एमटेक का फीस है, बीटेक का फीस नहीं है। बीटेक का फीस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये है एमटेक का। अभी प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं एमटेक का प्लेसमेंट का बात करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम है, बीटेक हो चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो चाहे किसी भी कोर्स के हो ठीक है। उसके बाद कॉलेज फी, एमटेक में कॉलेज फीस जो लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में एनआईटी सिलचर का, वो मैं बता दूं कि 55,000 है ये कॉलेज फीस है। 55,000 मेस फी आपका लगेगा 22,500, 10,000 आपको लगेगा सिक्योरिटी मनी चार्ज जो कि आफ्टर 2 ईयर रिफंडेबल होता है ठीक। ये सभी जगह होते हैं सभी कॉलेज में, तो ये टोटल आपको 88,000 के करीब में लगेगा ठीक है। उसके बाद 40 और ये सेकेंड सेमेस्टर का फीस, यहाँ पे 10,000 जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं लगेगा और जो कॉलेज फीस है वो रिड्यूस हो जाता है 42,800, और प्लस ये मेस फीस तो सेम ही रहेगा और इसमें इतना ही एवरेज रहेगा। तो 2 साल 1 साल का आप देख सकते हैं, 6 मंथ का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का, ये नोटिस बोर्ड में रहता है। और पहले पहले जब आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है कि आपको नहीं मिलता जल्दी, इसलिए मैंने फीस भी डिस्कस कर दिया आपके साथ। और एक चीज़ और बात करने वाला हूँ आपके साथ कि यहाँ पे फैसिलिटी है कि स्पॉन्सर कैटेगरी भी आ सकते हैं। स्पॉन्सर मीन्स जो लोग गेट क्वालिफाई हैं, जो लोग गेट नहीं क्वालिफाई हैं उनके लिए भी। तो ये फीस जो है दोनों के लिए सेम रहता है। अगर आप गेट देकर आ रहे हैं फिर भी आपको इतना ही फीस लगेगा, अगर गेट आप नहीं दिए हैं फिर भी आपको इतना ही फीस लगेगा। वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि 12,500 का, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। 12,500 क्या है, 12,400 एक्चुअली मिलता है पर मंथ। ये 12,400 उन लोगों को दिया जाता है जो कि गेट क्वालिफाई किए हो और एमएससी में हो, तो एमएससी का शायद 5,000 मिलता था जो अभी शायद नहीं मिल रहा है ठीक। और ये गेट क्वालिफाई जितने भी स्टूडेंट हैं सबको 12,400 पर मंथ दिया जाता है ठीक है। और ये 10 तारीख तक आ जाता है नेक्स्ट मंथ में। और यही है, गेट क्वालिफाई है तो आपको ये मिलेगा और गेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर नहीं है गेट क्वालिफाई तो बस आपको इतना है कि ईयर चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे ईयर आप वेस्ट नहीं कर चाहते 1 ईयर, जिससे आप अपेयरिंग में आके, बहुत सारे हमारे बैचमेट हैं जो कि अपेयरिंग में एडमिशन लिए हैं और वो 1 साल इन्वेस्ट नहीं किए हैं, वो अपना फीस जो है ये नहीं लेते हैं 12,400, और 1 साल उन्होंने अपना बचा लिया। तो ठीक है, ये आपको फीस समझ में आया ठीक। सेम रहता है सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा ठीक। इतना तो हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी हो गया, और अब हमारा है एक सेंट्रल लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी का मैं बाद में बात करूंगा, अभी प्लेसमेंट का बात कर लेते हैं ठीक है। देखिए ये प्लेसमेंट, देखिए मैंने प्लेसमेंट का लिस्ट पहले से तैयार करके रखा है ठीक, विजुअल है। देखिए प्लेसमेंट का लिस्ट में आपको ये विजुअल होना चाहिए, मैं विजुअल हूँ या ना हूँ ये देखिए। प्लेसमेंट में आपको देखिए क्या है, प्लेसमेंट में सिविल डबल ई ये सिविल डबल ई सी एस सी और ई सी। मैकेनिकल का मैं अभी नहीं लिखा हूँ ठीक है, मैकेनिकल का अभी बताऊंगा ठीक। और देखिए यहाँ पे सिविल, सिविल में यहाँ पे 5 ब्रांच है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ नहीं है ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेस और स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये 5 ब्रांच है जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है। इसमें एडमिशन होते हैं, सभी में स्पॉन्सर कैटेगरी अलाउड है, यानी कि आप गेट क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप इसमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं ठीक। अगर डबल ई का बात करें तो उसमें कंट्रोल सिस्टम है, पावर सिस्टम है ठीक। सी एस सी बात करें, जो सी एस सी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो होता है, उसमें 2 ब्रांच है यहाँ पे, एक ए आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके और एक है सी ए सी, सी एस सी ठीक। और देखिए ई सी है, इसमें 2 ब्रांचेज यहाँ पे, वी एल एस आई है और एक कंट्रोल सिस्टम प्रोसेसिंग है ठीक, कंट्रोल सिस्टम सिग्नल प्रोसेसिंग है, हाँ कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग ठीक है। उसके बाद
अब ये इंट्रोडक्शन हो गया ब्रांच वाइज, अब कितने लोग का प्लेसमेंट हुआ है पिछले साल वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए हमारे जो सीनियर थे 33 एडमिशन लिए थे, लेकिन 3 लोग का कहीं जॉब लग गया तो वो चले गए छोड़ के, फिर बचे 30 लोगों में से 40 का प्लेसमेंट हो गया, 30 लोगों में से 40 लोगों का 40 सर का प्लेसमेंट हो गया, जिसमें एक मैम भी है और वो उनका हुआ है L&T और टाटा में, ठीक। और मिनिमम पैकेज जो मिला है 6 से 8 लाख पर एनम, ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन में 2 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है जो कि L&T में ही हुआ है 2 लोगों का, और पैकेज भी था 6 से 8 लाख पर एनम, ठीक है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज में एक मैम का प्लेसमेंट हुआ है जो कि वो कोडिंग से किए हैं, और ठीक है ये हो गया। उसके बाद जियो टेक में 25 लोग थे, 25 सर मैम जो भी थी, तो उसमें से 12 प्लस का प्लेसमेंट हो चुका है जो कि मिनिमम पैकेज था 7 से 10 लाख पर एनम L&T टाटा प्रोजेक्ट में, ये सब, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं SD में, SD में 2 लोगों का प्लेसमेंट हुआ जो कि टाटा और L&T दोनों में, और ये मिनिमम पैकेज 6 से 7 लाख पर एनम, ठीक है। ये हमारा हुआ सिविल का, सिविल में सबसे मैक्सिमम प्लेसमेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद जियो टेक में भी है, और देखिए उसके बाद कहते हैं डबली का बात इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में 13 लोग का एडमिशन हुआ जिसमें कि 9 लोग का प्लेसमेंट हो गया, और मिनिमम पैकेज होता है हमारा 10 लाख पर एनम, ठीक। पावर सिस्टम में जो प्लेसमेंट हुआ सीनियर का, 4 लोग एडमिशन लिए थे, इसमें 3 लोग का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और कुछ लोग PhD करने भी चले जाते हैं, और ये CSE में AI में 9 लोग एडमिशन लिए थे जिसमें 6 लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है, और CSE में 5 लोग एडमिशन लिए थे जिसमें कि 4 लोग का प्लेसमेंट हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, और मिनिमम पैकेज जो है 10 लाख से 12 लाख पर एनम है। इसी में VLSI में देख सकते हैं 20 लोग एडमिशन लिए जिसमें से 17 का प्लेसमेंट हो चुका है, 17 का प्लेसमेंट हो चुका है, और पैकेज देखिएगा तो 16 लाख पर एनम, ठीक। ये सब मैं MTech का बता रहा हूँ, MTech का ये सारा प्लेसमेंट रेशियो हमारा MTech का है, बीटेक का और ज़्यादा होता है इसमें, ठीक। और ये कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग में 5 लोग थे जिसमें कि 4 लोग का प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक। उसके बाद ये और मिनिमम पैकेज वही 6 से 7 लाख पर एनम, ये हमारा प्लेसमेंट का बात हो गया। अब जो रैंकिंग का बात करते हैं, तो रैंकिंग जो है NIRF में 2022 के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलेज NIT सिलचर है वो है 38 रैंक पे, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो प्लेसमेंट का रेशियो हो गया, और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। और बात करते हैं गेट स्कोर का, बहुत लोग यहाँ पे चिंतित रहते हैं कि NIT सिलचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गेट स्कोर, गेट स्कोर, गेट स्कोर, आप क्वालिफाई हैं फिर भी एडमिशन ले सकते हैं, नहीं क्वालिफाई है फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आप अगर क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए NIT सिलचर को, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी है। उसके बाद और ये देख लीजिए कि यहाँ पे यदि आप प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑटोवेयर में बहुत ही अच्छा है और प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि और लाइब्रेरी का यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी का टाइमिंग में थोड़ा इशू है कि यहाँ पे ऑफिस आवर में ही लाइब्रेरी अलाउ होता है, क्योंकि यहाँ 9 to 5 टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। उसके बाद AC है, ठीक है। ऑनलाइन का भी फैसिलिटी यहाँ पे है, जैसे कि ऑनलाइन इशू करते हैं, ऑनलाइन जितने भी बुक चाहिए आपको वो सब मिल जाते हैं। और बात करते हैं कैंपस का, तो कैंपस ही बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप ऐसे ही जानते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है इधर, और क्योंकि यहाँ पे बगल में टी गार्डन है और बगल में बहुत सारे हिमालय का जो मनाली है, सो जो वीक में जो छुट्टियाँ मिलती है उसमें जाते हैं सभी घूमने, पिकनिक मनाने जाते हैं, ये सब इसलिए कैंपस। और कैंपस में 7 झील है जिसको लेक बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, तो ठीक। तो ये शाम को घूमने के लिए बहुत है, पूरा ग्रीन है एरिया, और मैं अभी हॉस्टल का दिखा दूंगा सर, ठीक है। और आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आपको तो कमेंट में लिखिएगा,
और आप बताइएगा कि मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है।